आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और इस समय हम ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में है। यार्ड नंबर 6 बताया जा रहा है और यहाँ पर कई गाड़ियों में आग लग गई है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, कई सारी गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में यार्ड नंबर 6 के पास जो खड़ी रहती हैं, इनमें एकाएक आग लग गई है। और फिलहाल दमकल की तीन गाड़ियाँ दमकल की मौके पर हैं और इसमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो ठीक होने के लिए यहाँ पर आई थी ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में, और कुछ पुरानी गाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे खड़ी हैं, और उसके अलावा और कई गाड़ियाँ हैं जो आग की चपेट में आई हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम तेज़ी से जारी है और फायर टेंडर जो हैं, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, कई सारे ट्रक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं और रिपेयरिंग के लिए ज़्यादातर ट्रक्स यहाँ पर आते हैं, और जो आग लगी हुई है वो धधक रही है वो अभी भी, और साफ तौर पर कई गाड़ियों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया है। विजुअल्स हम आपको ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू से दिखा रहे हैं जहाँ पर दमकल की तीन गाड़ियाँ इस समय आग को बुझाने में लगी हुई हैं। इस समय आग को बुझाने के लिए दमकल की तीन गाड़ियाँ लगी हुई हैं। श्रमिक, कितने बजे आग लगी है पता है कुछ? वही पता नहीं, हम अपने काम से बिजी हो रहे। नहीं, ये गाड़ियाँ पुरानी थी या ऐसे ही नई भी खरीदी? जो जेडी वालों की थी, जेडी वालों ने डाली थी। जेडी वालों ने क्या वो जो गाड़ियाँ पकड़ी होती हैं? आग लगी है, ये क्या हुआ है यहाँ पे पता नहीं, मौके पे तो हम आज देख के आए, लेकिन ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हैं ये साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई गाड़ियाँ हैं और दमकल पुलिसकर्मी कई लोग यहाँ पर हैं और आग बुझाने का प्रयास तेजी से जारी है। और कई लोगों ने ये बताया है कि ये अभी भी आप देख सकते हैं कई गाड़ियाँ और खड़ी हैं। ये जाइलो है जिसे भी आग लगी हुई है, उसके अलावा कुछ और गाड़ियाँ भी हैं यहाँ खड़ी हैं, एक ट्रक की बॉडी है। ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आग लगने के बाद तीन जो गाड़ियाँ हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की वो यहाँ पहुँची हैं और आग बुझाने के काम में फ़िलहाल लगी हुई हैं। तेज़ी से काम जारी है, कई गाड़ियाँ जो हैं वो आग की चपेट में आ गई थी और यहाँ पर कई फायर टेंडर जो हैं वो लगे हुए हैं आग बुझाने में। वीडियो जो हम आपको ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल से दिखा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। देखिए एक साथ कई गाड़ियां हैं जो ऑलरेडी जल चुकी हैं उनसे आग दूसरी गाड़ियों में पहुंची है, और मौके पर पुलिसकर्मी, आम लोग यहां पर जिनको ये जैसे ये सूचना मिली आग लगी है वो यहाँ पहुँच गए। फिलहाल तीन गाड़ियाँ जो हैं वो पहुँची हुई हैं और जो आग बुझाने के काम में लगी हुई है ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल। कई गाड़ियां, अगर मैं आपको बताऊं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कम से कम 10 गाड़ियां हैं जो जली हुई हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि क्या ये बिल्कुल ऐसी गाड़ियां थी जो चलने लायक नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जो ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में खड़ी रहती हैं। ये देख सकते हैं आप, जिनकी गाड़ियां हैं वो खुद भी लगे हुए हैं फायर एमरजेंसी सर्विसेज के लोगों की हेल्प करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये सूचना यहाँ फैली तो एकाएक कई लोग यहाँ पहुँच गए हैं देखने के लिए, और मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्ट नगर में काम करने वाले लोग। एक गाड़ी मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा जो महिंद्रा की जाइलो है, ये भी जल गई थी, ये यहाँ पे हालांकि खड़ी थी, ये देख सकते हैं इसकी हालत। इन गाड़ियों पे जो जलता धुआं आपको दिखाई दे रहा है ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर ये गाड़ी आप देख सकते हैं शीशे तक ना दूर है और गाड़ी में से अभी भी धुआं निकल रहा है, और एक गाड़ियाँ यहाँ जली हुई हैं।
जिसमें जीप है, कुछ मिनी बसेज हैं, बस है। अब ये पूछना देखना लाजमी है कि क्या ये बसेज चलने लायक थी या फिर जो ओवर डेट थी या फिर जिनके रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया था वही गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी। आग पे काबू पाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियाँ वो मौके पर आई हुई हैं। जम्मू ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल के हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। कई बार यहाँ पे पहले भी आग लगी है और आग लगने के कारण होता है जो कूड़ा पड़ा रहता है वो उसमें आग लग जाती है, शरारत होती है, आग लग जाती है। अरे गाड़ियाँ देखिए किस तरह से यहाँ पड़ी हैं। एक ये बस है जिसमें आग अभी भी लगी हुई है, उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। आगे जो है उसके जो सामान है उसे हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोग भी हैं। ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल का यार्ड नंबर 6 है। और आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। आप लोग यहीं थे जब आग लगी? हाँ मैं ही था यहाँ पे, मैंने कॉल किया था। ये क्या मतलब कितनी गाड़ियाँ जो हैं ये क्या किस कंडीशन की गाड़ियाँ हैं? ये पुरानी कबाड़ गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। हाँ आग लगी कैसे पता चला? मैं तो एक्चुअली मैं गाड़ी नीचे स्टेशन से खाली करके आ रहा, मतलब लोड करके आ रहा था ऊपर के लिए। हाँ। तो यहाँ पे देखा तो धुआं धुआं चल रहा था। मैंने जैसे गाड़ी साइड पे लगाई देखा तो यहाँ पे गाड़ियों में आग लगी हुई थी और मैंने तुरंत 5 सर्विस को कॉल की और ये 15-20 मिनट के अंदर पहुँच गए। और सर यहाँ पे तकरीबन सब डैमेज ही गाड़ी होती है। हाँ बट मालूम नहीं क्योंकि नई गाड़ी भी थी या नहीं थी वो मालूम नहीं, लेकिन वक्त रहते बुझा दी गई। हाँ मैं शुक्रिया करता हूँ 5 सर्विस का कि मैंने कॉल की और वो तुरंत आगे 10-15 मिनट के बीच में आगे। और तकरीबन इधर ज़्यादा नहीं मैं 30 गाड़ियाँ थी, उसमें से 5-6 जली हुई गाड़ियाँ और बाकियों पर काबू कर दिया उन्होंने। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप टाइम से आए। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूँ कि 5-6 गाड़ियाँ हैं वो जली हुई हैं, यार्ड नंबर 6 बता रहे हैं, यार्ड नंबर 6 है। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कई लोग जो हैं और फायर विभाग की जो टीम है वो भी आग बुझाने में लगी हुई है। 3 गाड़ियाँ कुल आई हैं और सबसे बड़ी बात यही है, गनीमत की बात कह सकते हैं कि आग को कंट्रोल किया गया है। और जो उसके साथ यहाँ पर ट्रक्स खड़े होते हैं, कई ट्रक्स को यहाँ से हटा लिया गया था क्योंकि आग जैसे ही यहाँ पर देखा उन्होंने वो लगी है तो उसे जो है हटा लिया गया पीछे। और ये कई गाड़ियाँ हैं, 5-6 गाड़ियाँ हैं। हालांकि लोग ये बता रहे हैं कि चलने लायक कंडीशन में नहीं थी, यूं ही खड़ी रहती हैं ये। कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई होती है तो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो नरवाल में यहाँ पर कहीं ना कहीं गाड़ियाँ छोड़ देते हैं। कई बार ये गाड़ियाँ बिक भी जाती हैं तो उसके बाद इस तरह से छोड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। लेकिन क्या वजह आग लगने की ये पता नहीं है, क्या किसी की शरारत है, क्योंकि जहाँ पर ये गाड़ियाँ लगी थी इसके आगे पीछे कूड़ा भी बहुत था। तो फिलहाल आग बुझा ली गई है, आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। फायर एमरजेंसी सर्विस की 3 गाड़ियाँ मौके पर आई हैं जिन्होंने यार्ड नंबर 6 नरवाल ट्रांसपोर्ट में नगर में लगी आग को बुझा लिया है, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। सिर्फ वो गाड़ियाँ जो चलने लायक नहीं थी उनमें आग लगी थी और फिलहाल आग पर काबू